हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज देख लो पीछे कुछ दिख रहे हैं नए नए मेहमान अपने को। हाय, हेलो गाइस, हाय गाइस। ये है कंचन, बॉय का कैमरामैन, और ये है कंचन नए चश्मे के साथ। अच्छा लग रहा है, समर्थ पुराने चश्मे के साथ नया है, समर्थ की नानी बनारी के चश्मे के साथ। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, इन लोग सब लोग आए पुणे। मैं सोचा था कि पहले दिन व्लॉग बनाऊं बट बना नहीं पाया क्योंकि इन लोगों की ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अभी इन लोगों को घुमाने लेके जा रहे हैं। बहुत ही पुरजोर फरमाइश कंचन की, रो रही थी दो दिन से। अरे बापरे, क्यों नहीं रो रही थी? रो रो के मेरे आंसू खत्म हो गए। तभी तो चश्मा लगाई है। और समर्थ भी पता नहीं कपड़े उतार के दौड़ रहा था पूरी सोसाइटी में। मम्मी का कर रही, मम्मी कुछ नहीं कर रही थी, मम्मी बस घूमने आई है। अभी जा रहे हैं भीमा शंकर, तो मिलते हैं आप लोगों से कहाँ, थोड़ी दूर रास्ते में कहीं कुछ अगर अच्छा सा दिखा तो वो दिखाएंगे, नहीं तो सीधे मंदिर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तो समर बताओ फिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गाइस। और कितने दिनों के बाद आया तू व्लॉग में, कुछ तो बोल। 3 महीने के बाद। अरे तो कुछ बोल, वो तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ। बॉय का कैमरामैन गाइस। और हेलो गाइस। और कुछ नहीं, कहाँ जा रहा है अभी तू? भीमा शंकर जा रहा हूँ गाइस मैं। ये गाइस ये जा रहे हैं, ये ऐसे ही डम लड़का है। तो अभी देखो क्या है कि हम लोग ना अभी कितना बोल रहे 27-28 किलोमीटर आ गए हैं आगे, और रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे। अभी गैस फिलिंग हो रही है और उसके बाद निकलेंगे, मतलब अब शहर ख़त्म, अब चालू होंगे क्या घाट ही घाट। तो थोड़ा सा घाट आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद निकलेंगे, और इन लोग भी यहाँ से आ रहे हैं टहलते हुए। अच्छा लगा, तो देखो तो मैं आ रही जरा अंदर से। क्या मम्मी, क्या होए, क्या गई थी, कहाँ गई थी? वॉशरूम। तो ये भी क्या ट्रेन है, वैसा रहता ना गाड़ी आड़ी में थोड़ा सा ओ, ओ, उल्टी वाला सीन रहता था। अभी इनको उतार दिया है थोड़ा सा हमने, थोड़ा सा वॉमिट ना हो। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा खा लेती तो ऐसा होता है। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे फिर से और फिर मिलते हैं आप लोगों को, घाट दिखाएंगे, घाट और मंदिर पहुँच के देखते हैं। मंदिर में शूटिंग अंदर करने मिलती नहीं बट मंदिर बहुत अच्छा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे घर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। तो मिलते हैं अब कहाँ थोड़ी देर से। तो गाइस अभी क्या है, कंचन का चश्मा उतार दे पहले। क्या अभी भी पेट्रोल पंप में है और इन लोगों की चल रही है शॉपिंग? देखो माँ बेटों की दो पन्नियाँ भरवा ली गई हैं, इतना सारा सामान हमने ले लिया है और अब चल रहे हैं वापस। कहाँ कहाँ कंचन कुछ बोलना है क्या? हाँ यार, थोड़ा सा अपना साइज मेंटेन करना पड़ेगा, दुबली हो गई मैं बहुत ज़्यादा माँ बेटों का। तो बस अब निकलते हैं कहाँ फिर से वापस। मम्मी ये बैठी, मम्मी ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, गाड़ी भी आगे चलो। तो गाइस निकल चुके हैं वापस हम अपनी यात्रा के लिए। अभी हमें कहाँ, राजगुरु नगर गांव में। अब यहाँ से चालू होंगे थोड़ा सा हाईवे जिसमें हम स्पीड पकड़ेंगे और आराम से अब निकल पाएंगे। और तब ओहो, और तब तक स्पीड पकड़ रहे थे, और तब तक लिया जाएगा अपनी आइसक्रीम का मज़ा, और इन लोग भी पीछे सब लोग वही कर रहे। तो गाइस कैसा लग रहा है ये देखो, आइसक्रीम खाते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो मम्मी को, मम्मी घोल रही है आइसक्रीम। मम्मी खाओ ना, खुलेगी जब तो खाएंगे बाबा, मेल्ट हो जाएगी तब तक। चलो सही है। और गाड़ी हमको बोल रही है कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, तो हम भी सीट बेल्ट लगा लेते हैं और आइसक्रीम खा लें, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं हाईवे थोड़ा सा, और उसके बाद निकलेंगे कहाँ। मतलब अभी हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है शहर से, अब हम बाहर आ चुके हैं और अब हाईवे समाप्त, उपरास्ता समाप्त, और अब हम हैं हाईवे पे। थोड़ा सा देख लो हाईवे कैसा है, कुछ ऐसे हम हाईवे पे आ चुके हैं। और सब आइस देख लो, भैया भी, भैया आइसक्रीम का मज़ा भैया भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे पहुंच के आप। तो
गाइस हम लोग आ गए हैं भीमा शंकर और अभी यहाँ पे क्या है ना कि बैठे हैं, अभी जस्ट हम उतरे और यहाँ पे पार्किंग है थोड़ा सा दूर पे, यहाँ से 1 किलोमीटर आई थिंक पैदल जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, समर्थ को लगी है भूख तो समर्थ को खिलवाएंगे मैगी और मेरे को पीना है गन्ने का रस क्योंकि ये बैठी मम्मी और मम्मी को ही पीना है गन्ने का रस। मम्मी अंदर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, समझ जा ले क्या। तो आप पियेंगे गन्ने का रस मस्त और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से कहाँ दर्शन के लिए। थोड़ा सा धीरे धीरे आने दो, थोड़ा सा वॉमिट ज़्यादा हो गया ना उनको भी, थोड़ी सी थकान थकान सी लग रही है तो आ रही है। गन्ने का रस भाई, गन्ने का रस पीना है मेरे को तो, और फिलहाल तो बस जल्दी से गन्ने का रस पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं दर्शन के लिए। आओ ना, शर्मा रहा है, सूट करता है भाई। खाने के लिए जरूर मिलना चाहिए, उनकी पेट पूजा पहले है, काम दूजा बाद में। शादी वाले कैमरामैन बनते हैं। तो गाइस मंदिर में तो आ गए हैं और अब जब मतलब मंदिर में नहीं पहुंच चुके हैं हम, अब धीरे धीरे जा रहे हैं तो बहुत सारी शॉप है यहाँ पे, समर्थ आगे आगे हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। समर्थ को मैगी और बाकी चीज़ें खिला दी गई तो काफ़ी ताकत आ गई है, चश्मा लगा के चल रहा है समर्थ। देखो हाँ भाई पीछे तो देख लो। हेलो गाइस, कैसे हो आप? साले कुछ नया बोलो इसके अलावा। क्या बोलूँ मुझे क्या पता। सो गाइस हम लोग भीमा शंकर आ चुके हैं, तभी पहुँच के आपको भी दर्शन कराते हैं। आपको भी दर्शन कराते हैं? हाँ। कहाँ के? भीमा शंकर के। तो आपको पता है कहाँ कैसे जाना है? पहले भी समर्थ यहीं का है ना, तो समर्थ को सब पता है कैसे जाने का है। और पीछे मम्मी लोग आ रही हैं धीरे 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 धीमे धीमे। भाई हम और समर्थ तो स्पीड में चल रहे हैं ना समर्थ? यस भाई। और बोलो। और क्या बोलूं? हम मुझे क्या पता, कुछ मुझे नया बताओ। क्या पता, मैं क्या बताऊं? अरे समर्थ के लायक आइटम है। अरे नहीं, चलते 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 क्या मेरे गीत याद रखना। तो गाइस मम्मी को उतरने में होती है दिक्कत, तो दोनों भाई बहन मम्मी को उतरवा रहे हैं। चलो धीरे धीरे उतारा जा रहा है मम्मी को एक एक चीज। तो बस ऐसी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे मंदिर, मतलब वहां से थोड़ा सा स्लांट वाला था, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ हैं, तो आई थिंक 100 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। पर ये अच्छी चीज़ है कि पूरी छाए है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं ना। तो सब जगह मिठाइयों की खुशबू आ रही है। अच्छा जभी वो दीदी थे इनका थैला रख दी कि कुछ खरीदना करना। हाँ मार्केट बोली थी ना उसने, है देखना आराम से। तो लाए हो कहाँ? वाह गाड़ी में रखे हो, यहाँ जरूरत लगती। तो जल्दी से मंदिर पहुँचे फिर मिलते हैं। चलो मम्मी पीछे भी पलटो कंचन कंचन। अरे मंदिर दर्शन करके भगवान को बिल्कुल। मम्मी को भी मिल गया ना, कितनी हालत खराब थी इनकी मम्मी, और बढ़िया ताकत दे दी है बाबा ने, मस्त चल के आ गए सारे दर्शन कर ले। ठीक है कोई नहीं। और मोटू तुम क्या बोलोगे? मेरे को तो बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत, क्योंकि मैगी मिल गई ना खाने।
गाइस दर्शन हो गए हैं पूरे मंदिर के। मंदिर के अंदर तो शूटिंग मैंने थोड़ी सी कर ली क्योंकि उन्होंने दिया और सबको वीडियो कॉल करके भी मैंने दिखा दिया। तो अब चलते हैं बाहर और उसके बाद बाकी बाहर का दिखाते हैं। पर ये मम्मी कैसे अच्छे हो गए दर्शन में? बहुत अच्छे हो, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। तो गाइस अब हम भी निकलेंगे बाहर घर के लिए वापस। पहले लगी है भूख तो कुछ खाया जाएगा। और ये मंदिर के बाहर का है जहाँ ज्योतिर्लिंग है, उसके बाहर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये देखिए ये है वो मंदिर जहाँ पे दर्शन होते हैं। वो भगवान का गुंबद जो दिख रहा है उसी के नीचे है। तो अब चलते हैं घर और कुछ खाया जाए। घर नहीं, रास्ते में ही खाएंगे और उसके बाद चलेंगे घर। बट अभी ये मंदिर भी बहुत बड़ा है, यहाँ से भी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे 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 ही निकल पाएंगे। तो मम्मी लोगों का वेट कर रहे हैं, आ जाओ। और क्या है, धूप है तेज और जूते उतरे हुए हैं बाहर, थोड़ा ना गरम गरम लग रहा है सबको। आ जाओ मम्मी। तो मम्मी को फिर से एक साइड में भाई, एक साइड में बहन, तो उतार रहे हैं। मम्मी पाँव 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 तो नहीं गीले कर रहे, थोड़े से कर लो, अच्छे लगेंगे है ना, तो ठंडा नहीं लगेगा, गर्म नहीं लगेगा। चलो। और यहाँ पे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो खाने की दुकानें हैं, तो आप खाना खा सकते हो। तो प्रसाद खरीदना, ये सारी चीज़ें सब आपको मंदिर प्रांगण के अंदर ही मिलती जाएंगी। तो बस घूमिए और भगवान के दर्शन लेकिन बहुत अच्छे से होते हैं कि अगर आपको ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छे से छू के और बहुत अच्छे से दर्शन करने तो ज़रूर भीमा शंकर यहाँ पे दर्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।